हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल टू स्मार्ट फिटर। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी सारे ट्रेड्स है, जितने भी सारे स्ट्रीम्स है, सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे DRDO सेप्टम की तरफ से सेप्टम 10 का रिक्रूटमेंट आ चुका है, जो कि बहुत दिन से हमारा एक्सपेक्टेशंस था कि ये रिक्रूटमेंट आने वाला है, लेकिन आज आ गया है ऑफिशियली। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैं हर एक चीज यहीं पर मैंने डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है, पूरा A to Z यहीं पर बताऊंगा। एंड ये जो चैनल है स्मार्ट फिटर, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये चैनल, ये अब इसी टाइम में आप सबको पता हो गया होगा। ठीक है, आप जल्दी ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यही चैनल पे हम अच्छी तरीके से DRDO का टेक्नीशियन बी का टेक्नीशियन ए का जो फिटर ट्रेड के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर अच्छी से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हर एक चीज को अच्छी से पढ़ेंगे। जो जो इंटरेस्टेड हो प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए एंड कमेंट सेक्शन में बोलिए किस टाइप का आपको प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है, अभी चलते नोटिफिकेशन के तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैंने आपको पहले बता देता हूँ, ये टोटल ऑलमोस्ट 2000 के जॉब निकली है। ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ी पोस्ट है ये। ठीक है, हर एक पोस्ट, हर एक सेक्शन में आपको 50 से 60 वैकेंट पोस्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में ये चीज़ हमको देखना कि इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है। ठीक है, देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है इसका, ये टोटल ये 3 सितंबर से स्टार्ट होगा हमारा फॉर्म फिलअप। ठीक है, एंड वो 23rd डबल टाइम दिया गया, उसके अंदर में हमको डालना है। एंड इसका जो टेनरशिप डेट, एग्जाम डेट है, ये अनाउंस नहीं है, अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बड़ी अपडेट है ये चीज़ ध्यान रख लो कि 3 सितंबर से 23rd, इसमें से ये साइड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप इसको, ये बहुत सारी चीज़ ये डिटेल्स में मांगता है, आप टाइम पे जाकर स्टार्टिंग फेज में एक हफ्ते के अंदर स्टार्टिंग में आप फॉर्म डाल दीजिएगा। ठीक है, का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 18 से 28 ईयर्स तक ये एज मांगा है। ठीक है, याद रखिए 18 से 28 ईयर्स। एंड इसमें से जैसे नॉर्मली मिलता रहता है, ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल एंड SC ST के लिए जैसे 5 साल जैसे मिलता रहता है, उसी हिसाब से उनके लिए भी वो फैसिलिटीज है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए पे स्केल, यहाँ पे पहले हम टेक्निकल असिस्टेंट को बाद में देखेंगे, पहले हमारा फेवरेट ट्रेड, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, फिटर के तरफ चलते हैं। ठीक है, बाकी ये PDF में आप हर टाइप का देख सकते हैं। ठीक है, ये PDF मैंने अटैच कर दूंगा, जहाँ से आप फिटर, टर्नर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, हर एक ट्रेड का आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिटर ट्रेड, पहले फिटर ट्रेड आप देखिए, ये नॉर्मली इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगे, 10th एंड उसके पास ITI का NCBT सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही क्वालिफिकेशन है ये फिटर का। टोटल 51 है, देखिए 51 UR में है, उसके बाद टोटल 127 टोटल पोस्ट है। देखिए कितना बड़ा वैकेंसी है, EWS का देखिए, OBC का देखिए, SC का, ST का, सबका देखिए, कितने सारे वैकेंसी है यहाँ पे। और टोटल पोस्ट याद रखिए 127, बहुत ही बड़ा पोस्ट है 127 फिटर ट्रेड में। मतलब आपका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत अच्छा से भी चल रहा होगा ना, अब से अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, ये एग्जाम निकल नहीं जाएगा। ठीक है, आराम से आप एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया। उसके बाद और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और भी बताना है गया है। देखिए इसमें से जो एग्जामिनेशन सिटी रखा गया है, टोटल 39 सिटीज, इट्स ए ह्यूज। आप अपने घर के पास में जाके एग्जाम दे सकते, देखिए इतने सारे सिटीज है, आप अपने मन मुताबिक जो भी सिटी आपका पास में है वहां पे आप चूज करके आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एंड ये 100 रुपीज फॉर्म फिलअप फी रखा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इसमें से वही ITI स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा ना, Tier 1 Tier 2 होगा। Tier 1 एग्जाम आपको दिखा देता हूँ, Tier 1 में किस तरीके से होगा एग्जाम, ये ITI स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले दिखाता हूँ। ITI स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें से 120 क्वेश्चन, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट, 150 क्वेश्चन था उसका हटा के 120 क्वेश्चन कर दिया, जहां पे ये 100 क्वेश्चन आता था ट्रेड में, वहां पे अभी आएगा 80 क्वेश्चन। कितना आसान है, लेकिन इसी से ही सिलेक्शन होगा, देखिए इसी से ही सिलेक्शन होगा, लेकिन ये कम हो गया अभी। मतलब सोचो कंपटीशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन उससे हमको थोड़ा इजी भी हो गया। ठीक है, तो जब 100 क्वेश्चन आता था तभी भर भर के क्वेश्चन पूछता था वो। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया। टोटल 80 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन आएगा हमारा नॉन टेक्निकल, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश भी आएगा एंड जनरल साइंस भी इसमें आएगा। एंड उसके बाद हमारा क्वालिफाइंग नेचर में
स्किल टेस्ट कराएंगे, उसमें से 1:8 रेशियो में ये सिलेक्शन करके लेंगे, ठीक है। मतलब एक पोस्ट के लिए ये 8 आदमी को सिलेक्शन करके लेके जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है। एंड डिप्लोमा स्टूडेंट जो भी है वो टेक्निकल असिस्टेंट है, उनके लिए 294 की वैकेंसीज है, ठीक है। आप देख सकते 294 वैकेंसीज उनके लिए, एंड वो भी वो उनके लिए बहुत बड़ी, उनके लिए एज क्राइटेरिया भी सेम रहेगा, ठीक है। एंड उनके लिए और एक चीज है कि उनके लिए जो एग्जाम होगा टायर वन में 150 क्वेश्चन नंबर ना पूछकर 120 क्वेश्चन पूछेगा, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 क्वेश्चन पूछेगा और 150 नहीं है, एंड उसके बाद जैसे 100 क्वेश्चन टेक्निकल में आता है टेक्निकल में आएगा। एंड एग्जाम का लास्ट डेट आपको मैंने बता दिया था, एंड 100 रुपीज इसका एग्जामिनेशन फी है। एंड इसके बारे में आपको प्रिपेरेशन करना है तो अच्छी से आप प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये स्मार्ट फिटर आपके लिए हर एक चीज लेकर आएगा जितना भी जरूरी होता है एक आईटीआई फिटेड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसका पे स्केल तो आपका पता है कितना अच्छा खासा पे स्केल मिलता है। चलो सब्सक्राइब करिए, अच्छी से रहिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।